तो यार अभी कुछ ही दिन पहले ना आलिया भट्ट अनाउंस दैट शी इज प्रेग्नेंट और एकता कपूर के सीरियल्स की तरह एवरीबॉडी वाज लाइक व्हाट व्हाट है क्या क्या। पर ऑनेस्टली मेरे को तो लगा था कि अभी एक दो दिन में लोग आएंगे और बोलेंगे हा 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 वो देखो कैम राइट सब प्रैंक, और इसी चक्कर में मैंने वीडियो भी नहीं बनाया। बट अब 6 दिन हो चुके हैं और ऐसा कुछ भी नहीं बोला इन्होंने, तो आई थिंक इट्स ट्रू एंड दैट्स व्हाई आई थॉट चलो इस टॉपिक पे आज बात कर ही लेते हैं। After all, इस टॉपिक पे सब बातें ही तो बना रहे हैं, particularly these guys. रणबीर कपूर होल्डिंग हिज प्रेग्नेंट वाइफ, आलिया भट्ट हाइडिंग हर बेबी बम्प विद बैग, प्रेग्नेंट आलिया भट्ट डूइंग पूजा फॉर बेबी बॉय विद हस्बैंड रणबीर कपूर एंड नीतू कपूर, आलिया भट्ट एंड रणबीर बेबी जेंडर रिवील्ड बाय डॉक्टर्स बॉय और गर्ल। अबे ये सब कब हो गया भाई, लिटरली एक सिर्फ एक फोटो डाली है उन्होंने और इन लोगों ने दुनिया ब्रह्मांड का कॉन्टेंट बना लिया है खुद ही एडिट कर करके, वो भी हर एंगल हर लोकेशन हर सिचुएशन हर इंसान हर रिश्तेदार और हर तरीके से। प्रेग्नेंट आलिया भट्ट फ्लॉन्टिंग बेबी बंप विद हबी रणबीर कपूर आउटसाइड क्लिनिक फॉर चेकअप, प्रेग्नेंट आलिया भट्ट एट द क्लिनिक फॉर चेकअप, प्रेग्नेंट आलिया भट्ट आउटसाइड क्लिनिक विद नीतू कपूर, आलिया भट्ट एट फिल्म स्टूडियो फॉर बेबी शॉपिंग विद हस्बैंड रणबीर कपूर। हाँ ऐसा करो थोड़ा और पेट फुला दो उसका, सालो 8वां 9वां छोड़ो 32वां महीना लग रहा है इतना पेट फुला दिया तुमने उसका एडिटिंग कर करके। ऐसा लग रहा है एक दो नहीं 32 बच्चों की मां बनने वाली आलिया, और इन लोगों का बस चले ना भाई तो एक क्लिकबेट के लिए कुछ भी करते, ये लोग तो डिक्लेयर करते कि बच्चा हो चुका है, इनफैक्ट आलिया के 2-3 बच्चे पहले से ही हैं, इनफैक्ट रणबीर आलिया का खुद का ही बच्चा है, मतलब क्लिकबेट के लिए कुछ भी। इनफैक्ट क्लिकबेट करने के लिए ना इस वीडियो पे अब मैं भी कुछ ऐसा ही लिखूंगा, लेकिन चलो थैंकफुली कुछ मीडिया हाउसेस ऐसे भी थे जो ऐसा फेक कंटेंट बनाने में ना विश्वास नहीं रखते क्योंकि इट्स जस्ट वेरी चीप, इसीलिए वो अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाने के लिए निकल दिए कैमरा उठा के रैंडम सेलिब्रिटीज का रिएक्शन लेने। दासमन जी कल आपने न्यूज सुनी होगी आलिया भट्ट ने जो स्टोरी डाली थी। चलो जैस्मिन तो फिर भी थोड़ी नॉर्मल इंसान है ना, मतलब वो अलग बात है कि बिग बॉस में वो बिल्कुल पागल हो गई थी, लेकिन फिर भी शी इज एटलीस्ट नॉर्मल, शी इज नॉट मेंटल लाइक दिस वुमन। आलिया जी प्रेग्नेंट है, मैं कब होंगी? यार ये कितना अजीब सा रिएक्शन है, मतलब ये तो इस पिक से भी ज्यादा अजीब है जिसमें माधुरी जी आमो को ऐसे हग कर रही हैं फॉर सम रीजन। लेकिन इट्स राखी सावंत, अब वो नॉर्मल लोगों की तरह वाओ सो हैप्पी फॉर यू कॉन्ग्रेट्स ऐसी चीजें थोड़ी ना बोलेंगी, इनफैक्ट उन्होंने तो वहीं खड़े खड़े रणबीर और आलिया को लोकी रोस्ट कर डाला। जैसे खुशखबरी आएगी तो मैं दूसरे दिन शादी कर लूंगी। हाँ ऐसा होता है ना आजकल। लेकिन राखी बीइंग राखी थोड़ी देर बाद उनको रियलाइज हुआ कि हो ये मैंने क्या बोल दिया, अब जल्दी से कवर अप कर देती हूँ किसी को पता नहीं चलेगा। एंड देन शी सेड दिस, कांग्रेचुलेशन आज मैं मासी बन गई, बिल्कुल बिल्कुल मैं मासी बन गई, आलिया मामा बनने वाली है, रणबीर पापा बनने वाले हैं और मैं राखी सावंत मासी बनने वाली हूँ। और लगता है क्योंकि मीडिया वाले ऐसे ऐसे पूरे दिन राखी के अराउंड ही घूमते रहते हैं ना, तो उनका आईक्यू लेवल भी राखी के लेवल पे ही आ गया क्योंकि उन लोगों ने राखी से इंस्पिरेशन लेके सबसे जाके पूछना शुरू कर दिया कि आप क्या बनोगे, आप क्या बनोगे और आप क्या बनोगे, एज इफ रणबीर आलिया का बच्चा नहीं है कोई पब्लिक प्रॉपर्टी का बच्चा हो रहा है। आप क्या बनोगे, बुआ की मासी? मैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मैं कुछ नहीं बनूंगी यार, मैं ही रहूंगी। वो कुछ बने ना बने लेकिन तुम जरूर कुछ बना रहे हो अपनी पेज की ऑडियंस को, बट थैंकफुली ऐसे पेजेस में भी अच्छे एकदम मस्त लोग होते हैं जो इन लोगों की बैंड बजाते हैं। वीरल फूफा जी ज्यादा खुश है इन दोनों से, अब 1-2 हफ्ते तक यही पोस्ट करते रहना, अर्थ के अलावा भी कहीं लाइफ हो तो उस प्लेनेट तक बात जानी चाहिए। वीरल प्लीज टेक अ डीप ब्रेथ, अभी 9 महीने हैं, उनका बच्चा आ रहा है तुम्हारा नहीं। अब जब तक बच्चा नहीं आएगा तुम दिन भर पोस्ट करके पकाओगे वीरल चाचा जी। न्यूज फीड में हर जगह बस आलिया इज प्रेग्नेंट, दुनिया की पहली लेडी प्रेग्नेंट हुई है क्या यार। एंड वीरल भयानी से भी 2 कदम आगे है पिंक विला वाले, जो नीतू कपूर जी को जो कि बच्चे की होने वाली दादी हैं उनको ये बोल रहे हैं, दादी बनने वाले हो आप, जुक जुक जियो, जुक जुक अभी शमशेरा शमशेरा चलो फिर भी मेरे को एक बार को समझ आता है कि मीडिया वाले हैं सेलिब्रिटीज के पीछे जा रहे हैं उनसे इंटरव्यूज ले रहे हैं कर रहे हैं वो कर रहे हैं सब एक फैकल्टी क्या बोलते हैं ये फ्रेटर्निटी का पार्ट है। लेकिन इन मोहतरमा को देख लो तो नोएडा की रोडों पे जाके लोगों को पकड़ पकड़ के उनसे बातचीत कर रही है बच्चे के बारे में। अभी अगर मैं पूछूं कि नाम का क्या सजेशन हो सकता है, मतलब आलिया के बच्चे का अगर आपके पास कोई नाम का सजेशन, किसी को भी नहीं पता है कि उनका बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी, तो हम अभी कुछ भी सजेस्ट नहीं कर सकते ना। मेरे को तो यही लग रहा है कि 3 महीने में तो इतना जल्दी हो नहीं सकता, मेरे को तो पता ही
नहीं था, आप लोग उससे पता चला मेरे को अभी। अभी तो मतलब जस्ट उनकी सडनली शादी हुई है 3 मंथ पहले, तो एकदम से मैं भी बड़ा शॉक्ड हूँ यार सच में। बच्चे तो हर किसी के हो रहे हैं और इतना तवज्जो क्यों देते हैं, वो तो आप हम ही देते हैं कि है ना, तो बच्चे तो सबके हो रहे हैं इसमें, चलो उनकी भी अपनी लाइफ तो है। मतलब आप एक्साइटेड हैं? काइंड ऑफ, ठीक है, काइंड ऑफ एक्साइटेड। अबे कौन देख रहा है ऐसी वीडियोस, इससे अच्छा तो इंसान जाके मेरे सेकंड चैनल शिवम थिंग्स पे मेरे व्लॉग्स ही देख ले, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। नो बट रियली इतने इंटरेस्ट से बात है तो नीतू कपूर जी और सोनी राजदान जी अपनी किटी पार्टीज में बैठ के चाय मठिया खाती हुई आंटियों से भी नहीं कर रही होंगी जितने इंटरेस्ट से बातें ये मोहतरमाएं कर रही हैं धूप में बैठ के नोएडा में। ऑनेस्टली ऐसे जबरदस्ती के वीडियोस देखने से अच्छा तो मैं आलिया की ये एक इकलौती पिक्चर के नीचे के कॉमेंट्स पढ़ लूं, वो ज्यादा एंटरटेनिंग है। इतना जल्दी तो पिज्जा भी डिलीवर नहीं होता इंडिया में, ये कैसे हुआ इतनी जल्दी? ओए इतना जल्दी, बहुत तेज निकले, मतलब आई डोंट नो मैं इस पे क्या बोलूं क्योंकि एक्चुअल में जल्दी तो है। करण जौहर प्लानिंग हाउ टू लॉन्च दिस न्यू कपूर, बोथ ऑफ देम गॉट मैरिड इन अप्रैल, मैथमेटिकली दे विल एक्सपेक्ट इन जनवरी 2023। ओ हाँ, ए मेरे बर्थडे पे तेरा उनका हाई फाई करियो रणबीर आलिया, इफ यू आर वाचिंग दिस 13th January। Why would they ever watch this? I really hope they don't watch this. Again, भाई साहब को देख लो, ये अलग ही ट्रिप पे है लाइफ में। He's like मैं मामा बन गया। ये he's like राखी सावंत का भाई। आज मैं मासी बन गई। Guys, stop creating so much pressure on रणबीर and दीपिका. This is actually true क्योंकि जब भी announce किया ना आलिया ने, भाई उसके बाद रणबीर और दीपिका ट्रेंड हो रहे ट्विटर पे, बताओ। Unpopular opinion, it's not a sonogram, it's a poster of Shamshera. The lions in the next picture can vouch for that. ये actually मैं भी अभी तक believe कर रहा हूँ, मुझे भी यही लग रहा है कि it could be a promotion. Blue tick वालों की पूरी line लग गई, बाप रे, that's actually very true कि मैंने इससे ज़्यादा life में एक साथ blue ticks कभी नहीं देखे हैं वैसे। By the way, उन्हीं blue ticks में एक comment था टाइगर श्रॉफ का, congratulations, and ये comment, भाई ये comment viral हो गया literally, इस पे किसी ने reply किया आलिया के अंदर, छोटी बच्ची है क्या, छोटी बच्ची हो क्या। ऑल्सो इन मोहतरमा का भी कॉमेंट था नेहा धूपिया का, अब आफ्टर ऑल रोडीज छोड़ दिया तो घर बैठ के कोई कॉमेंट वॉमेंट कुछ तो करेगी ना बंदी। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन, वेलकम टू द बेस्ट हुड, थैंक यू नेहा। एंड इसी पे मैं क्यों थैंक यू बोल रहा हूँ, आई मीन मैं मामा बन गया गाइस, और मैं राखी सावंत मासी बनने वाली हूँ। हाँ, तो नेहा के कॉमेंट पे किसी ने पूछा इज इट रियल और मूवी प्रमोशन, एक बंदे ने रिप्लाई किया यू नो इट, यू नो दिस इज कमिंग, ये आने ही वाला था। चलो सब साथ में बोलेंगे, कमेंट्स में भी लिख देना बाय द वे फॉर एंगेजमेंट, इट्स हर चॉइस। और भाई सारे कमेंट्स एक तरफ, इस बंदे के कमेंट्स एक तरफ, क्योंकि आई सच में बिलीव कि इसको सदमा लगा है इसलिए ये पागल हो गया, जिसके लिए मुझे हटाना पड़ेगा। ही इज लाइक बाय 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 हैशटैग नॉट स्पॉन्सर्ड। वैसे स्पॉन्सर से याद आया कि दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय डोंट स्किप, दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय मी, तो जी हाँ, दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय मी, तो सब्सक्राइब टू मी, लाइक फॉर मी, कॉमेंट फॉर मी एंड सब्सक्राइब टू द चैनल टू वॉच व्लॉग्स बाय मी। ओके, सो बिफोर एंडिंग दिस वीडियो कुछ रालिया के बेबी के मीम्स पे रिएक्ट कर लेते हैं, स्टार्टिंग विद दिस, रणबीर आलिया अनाउंस प्रेगनेंसी जस्ट आफ्टर मैरिज, आंटीज भी लाइक, एंड एक्चुअली ये इतनी जल्दी था कि सच में आंटीज भी शॉक्ड हो गई होंगी, बट यू नो व्हाट, एज नेहा जी सेड, इट्स हर चॉइस एंड ऑल्सो इट्स हिज चॉइस। आलिया रणबीर लव स्टोरी इन अ नटशेल, मैरिज रिसेप्शन प्रेगनेंसी, कितना अच्छा एडिट किया हुआ है यार। रणबीर आलिया अनाउंस प्रेगनेंसी, मीनवाइल रणवीर सिंह, सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो गया, या एक्चुअली ट्रू, फैंस टू रणबीर, यार ये मेरे को बचपन से होता है रणबीर रणवीर में कंफ्यूजन ना, फैंस टू रणवीर दीपिका आफ्टर हियरिंग अबाउट रणबीर आलिया, अब तक तो उसको आ जाना चाहिए था। हाँ मतलब ये सही है बेचारा, मतलब उन्होंने कर लिया तो अब रणबीर रणवीर दीपिका की वाट लगा दो सब। आलिया एंड रणबीर अनाउंस प्रेगनेंसी, तैमूर भी लाइक लाइमलाइट खतरे में है, बट एक्चुअली मेरे को सच में ऐसा लगता है कि यार इनके बच्चे कितने लकी होते हैं ना, लाइक इनके घर पे कैसी बातें क्लासी एकदम हाई स्टैंडर्ड वाली बातें चलती होंगी, हमारे घर देख लो बनियान भटने के बाद पोछा बनाने की बातें चलती हैं। रणबीर कपूर एंड आलिया भट्ट आर फास्टर देन म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट बिफोर इन्वेस्टिंग। वाओ crazy, रणबीर एंड आलिया अनाउंस प्रेगनेंसी न्यूज फास्टर देन द क्लाइंट रिलीज द पेमेंट, ये वाला सच में मेरे को बहुत ऐसे मतलब दिल पे लगा है। You have been there a lot of times. Normal couples getting married and then getting pregnant. Celebrity couples getting pregnant and then getting married. ये सब तो ठीक है, लेकिन ऊपर क्या लिखा है, आलिया रणबीर के ट्विंस होंगे, तुम्हें कैसे पता, कहीं आप साक्षात करण जौहर तो नहीं। आलिया एंड रणबीर गेटिंग मैरिड, बेबी फ्रॉम द वूम बी लाइक, वो भी जेठालाल की फोटो। यू नो व्हाट, दिस इज इनफ इंटरनेट फॉर द डे,
मेरे लिए भी और शायद तुम्हारे लिए भी। सो गाइज दैट वाज इट, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज ड्रॉप अ लाइक, कमेंट डाउन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ऑल्सो। या दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय मी, तो अगेन सब्सक्राइब टू मी, लाइक फॉर मी, कॉमेंट फॉर मी, शिवम थिंग्स को सब्सक्राइब फॉर मी प्लीज। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद न्यू वीडियो। बाय बाय।